हेलो स्टूडेंट, काफ़ी बच्चों के मेरे पास ये डाउट आ रहे हैं कि सर मेरा अभी तक डिस्प्यूट का रिज़ल्ट नहीं आया, तो अब डिस्प्यूट का रिज़ल्ट कब आएगा। तो उनको मैं एकदम क्लियर कर दूं कि बहुत ज़्यादा चांस हैं कि शायद स्कूल वालों ने डिस्प्यूट का जो फॉर्म था वो आगे ट्रांसफ़र नहीं किया, या तो आरओ ऑफिस तक या सीबीएसई हेड ऑफिस तक। अगर आगे ट्रांसफ़र या फिर स्कूल वालों ने जो डाटा है वो करेक्ट भेजा नहीं है, ये प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से डिस्प्यूट का रिजल्ट नहीं आया। ज़्यादातर बच्चों का डिस्प्यूट का रिजल्ट आ गया है और कंपार्टमेंट लगा हुआ था बहुत बच्चों का, जिनका कंपार्टमेंट हट भी गया है। और ये जो हुआ था वो 8 सितंबर के आसपास हुआ था। 8 सितंबर के आसपास ज़्यादातर बच्चों का डिस्प्यूट का रिजल्ट आ गया था और काफ़ी बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट भी हो गए थे क्योंकि उनके नंबर अच्छे आ गए थे और कंपार्टमेंट हट गया था। एक दूसरा यही डाउट है कि अब क्या करना चाहिए। वैसे तो 30 डेट तक फाइनली जो है वो री एग्ज़ाम वालों का रिजल्ट आ जाएगा, शायद उम्मीद कर सकते हो उसी के साथ जो डिस्प्यूट वाला रिजल्ट है वो आ जाए। अगर वो रिजल्ट साथ में नहीं आता है तो आरओ ऑफिस में जाके अपनी बात करो, ठीक है। जो एरिया का रीजनल ऑफिस होगा, जिस एरिया में रहते हो उस एरिया का जो रीजनल ऑफिस होगा वो स्कूल वाले बता सकते हैं कहाँ होगा, ठीक है। रीजनल ऑफिस जहाँ पे होगा वहाँ पे बात करो जाके, वहाँ से कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है। अपने जितनी भी डिटेल हैं, डॉक्यूमेंट हैं और मार्किंग पॉलिसी, उनमें किस तरह से फॉलो नहीं हो पाई, जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, उन सबको आरओ ऑफिस में जाके बताओ और उनका सॉल्यूशन ले सकते हो आरओ ऑफिस में जाके। दूसरी बात, कंपार्टमेंट वाले बच्चे परेशान हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कंपार्टमेंट उनका हट गया है डिस्प्यूट का रिजल्ट आने से, लेकिन उन्होंने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे दिया है तो कौन से फाइनल मार्क्स माने जाएंगे। लेकिन अभी इस पर कोई सीबीएसई की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से उम्मीद यही लगा रहा हूँ कि जो डिस्प्यूट का रिजल्ट आया है ना, या फिर जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ, उन दोनों में से जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे वही फाइनल माने जाएंगे। अगर डिस्प्यूट में ज़्यादा आ गए हैं, कंपार्टमेंट कम आ गए हैं, तो डिस्प्यूट वाले कंपार्टमेंट में ज़्यादा आ गए। वैसे तैयारी की होगी अच्छे से, कंपार्टमेंट में अगर ज़्यादा आ गए डिस्प्यूट से भी, तो वो फाइनल माने जाएंगे। और री एग्ज़ाम के रिजल्ट से रिलेटेड अगर कोई अपडेट आएगा वो हम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।